Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Question: how to increase confidence and maintain it forever? Forever. Irrespective of anybody saying anything to you. मैंने एक स्टोरी सुनी है एक फ्रॉग की कि कुछ फ्रॉग होते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं वो सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं बाहर भी एक बड़ा सा फ्रॉग है उनका एक पूरा फैमिली है बाहर भी और वो उनको लगातार कुछ कुछ बोले जा रहे हैं लेकिन एक फ्रॉग पूरी अच्छी शिद्दत से ट्राई करता है और वो बाहर निकल आता है तो सारे लोग बहुत जश्न मनाते हैं तो उसका इंटरव्यू पूछा जाता है उसे पूछा जाता है कि तुम कैसे बाहर आ गए जबकि सब कह रहे थे कि इस गड्ढे को बाहर गड्ढे से ऊपर आना पॉसिबल ही नहीं है तुम बाहर कैसे आ गए तो फ्रॉग कहता है मेरे को सुना ही नहीं पड़ता है मुझे सुना ही नहीं पड़ता जितने लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे ना लोग कह रहे थे तुम नहीं कर सकते तुम बाहर नहीं आ सकते इतना लंबा चौड़ा गड्ढा है तुम कैसे बाहर निकलोगे पॉसिबल ही नहीं है जितने भी लोग डीमोटिवेट कर रहे थे एक्चुअली मेरे कानों को प्रॉब्लम है मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है तो इस दुनिया में है ना कुछ कुछ जगह पर ऐसे बनना सीखो देखे को अनदेखा कर रहे अनदेखे को देखा ये फार्मूला अपने साथ याद रखना देखे को अनदेखा करो कई बातें जो देखने पर आपको दुख पैदा होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा आप लो स्पिरिट वाले हो जाओगे ऐसी बातों को जान करके भी अनजान हो जाओ अगर ऐसा कर सकते हो देन ओनली आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल फॉरएवर मेंटेन कर सकते हो इसके सिवा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम में से हर आदमी शब्दों से तुरंत प्रभावित होता है होता है ना आज की दुनिया में हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है तो वर्ड्स के प्रति है टच के प्रति भी उतने नहीं है स्मेल के प्रति भी उतने नहीं है टेस्ट के प्रति भी है लेकिन बहुत नहीं है सबसे ज़्यादा अगर हम सेंसिटिव है तो किसके प्रति है वर्ड्स के साथ है ना तो इस वर्ड्स के साथ हम इतने सेंसिटिव है तो यहाँ हमें कितना समझदार होने की ज़रूरत है कि हमें कौन से वर्ड सुनना और कौन से वर्ड सुन करके उनको तुरंत फिल्टराइज कर देना तुरंत अनसुना कर देना डिलीट ही कर देना कहना कोई नहीं वो जो कह रहे हैं वो राइट नहीं है आपका माइंड भी कभी आपको बोले ना तुम नहीं कर मैं नहीं कर सकती मैं ऐसा नहीं हूँ मैं लक्की नहीं हूँ तो आपका माइंड भी बोलेगा कभी कभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी आएगी तो आपका माइंड भी आपको बोलने लग जाएगा मैं लकी नहीं हूँ मैं नहीं कर सकती मैं पास नहीं हो सकती मुझे सब लोग प्रेज नहीं करते मुझे प्यार नहीं करते मैं जो काम करती हूँ हमेशा गलती हो जाती है मुझसे ऐसे बड़े सेंटेंसेस हमारे माइंड बोलता है तो जब ऐसे सेंटेंस माइंड बोलने लगे ना तो तभी कहना ये कीड़े कहाँ से आ गए दिमाग में ये मैं नहीं हूँ जो बोल रहा है अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स के साथ में एसोसिएट ही मत करना और तुरंत बोलना निस्सीही 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 निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ ये जो कमजोर करने वाले विचार है वो मेरे विचार नहीं हो सकते आइडेंटिफाई कर पाओगे या नहीं बहुत मुश्किल है हम लोगों को कोई तारीफ करे ना तो इतनी जल्दी भरोसा नहीं आता कोई बुराई करे ना एकदम से भरोसा आ जाता है ये हम लोगों की तो खुद की एक कमी है नहीं है हाँ और कोई कहे ना कि तुम लक्की हो या ये तुम्हारी जरा कोई नजदीकी आदमी भी कर दे तो कहते हो क्या बात है आज क्या चाहिए तुमको वी फील कि अगर कोई हमारी की तारीफ कर रहा है प्रेज कर रहा है तो उसको जरूर मुझसे कुछ काम ही होगा हमारी ऐसी सोच बन गई है ना मैंने देखा कई घरों के अंदर जब आप लोगों के घरों में दूसरे लोग आपको मिलने आते हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स लोग तो आप उनको कहते हो चाय कॉफ़ी क्या लोगे कुछ बनाऊं तो वो तुरंत क्या बोलते हैं हाँ वो बोलते हैं फॉर्मेलिटी मत करो प्लीज़ तो मैं सोचती हूँ कि किसी को चाय कॉफ़ी ऑफर करना फॉर्मेलिटी होता है क्या एक्चुअली होता है क्या तो
दिल की खुशी की बात है, आप घर में आए हो तो हमारे साथ बैठ करके कुछ गपशप करेंगे, कुछ चाय कॉफी पियेंगे, पर पता नहीं क्यों सामने वाला कहता है फॉर्मेलिटी मत करो प्लीज। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी फॉर्मेलिटी करते होंगे। जो लोग खुद फॉर्मेलिटी करते होंगे उनको किसी का बोलना ऐसा लगता होगा कि फॉर्मेलिटी कर रहा है। क्यों बोलते लोग ऐसा? आप लोग भी तो बोलते होंगे ना, आप शायद कभी बोलोगे तो मेरी याद आएगी। है ना, चाय मांगोगे? हाँ मांग के ले लो, जरूरत है। और किसी ने ऑफर किया तो उसको थैंक यू बोलो, ऑफर किया इसके लिए। ना करना है तो भी पहले थैंक यू बोलो कि बहुत मन होता है मैं पीता तुम्हारे साथ, लेकिन अभी जरूरत नहीं फील हो रही है, इट्स ओके। लेकिन ये मत कहो कि फॉर्मेलिटी मत करो। मुझे तो ऐसा सुनना बड़ा अजीब सा लगता है। तो कुछ चीजों के प्रति हमें थोड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है ना, हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने मन में भी क्या बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहते हो, कोई कुछ भी कहे, तो एक ही बात है कि कोई कुछ भी कहे आप अपने आप को कहो ना कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। कैसे बोलोगे? एक प्रयोग करवाती हूं मैं कई बार स्टूडेंट्स के साथ, जिन लोगों को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है उनको, कि दिन में जितनी बार आईना देखो, जितनी बार, कितनी बार देखते होंगे, गिनती भी नहीं होगी ना, 5, 10, 15, 20 बार तो देख ही लेते हो ना। जितनी बार हम वॉश मशीन पे जाते तब भी आईना तो देखते ही है, तो जितनी बार आईना देखो उतनी बार स्माइल करो और अपने आप को बोलो मैं योग्य हूँ। धन्यवाद पूरी प्रकृति का, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, आई एम एनेबल। धन्यवाद पूरे ब्रह्मांड का कि मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ। और हम सब है, नहीं है क्या? है, लेकिन हम अपनी काबिलियत की पहचान, अपनी काबिलियत की तारीफ, अपने काबिलियत के लिए वो प्रमाण पत्र दूसरों से मांगते और फिर परेशान हो जाते हैं, इतना काम करती हूँ सास कभी तारीफ ही नहीं करती। आप दूसरों से तारीफ क्यों मांग रहे हो? आप खुद ही कहो ना अपने आप को, आपको जरूरत ही नहीं फील होगी, नहीं आप हो। बोलो अपने आप को, आई एम कॉन्फिडेंट, आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ, मैंने इस जीवन से प्यार करती हूँ, मुझे जो लोग मिले मैं उन सब से प्यार करती हूँ, मैं जिस एटमॉस्फेयर में हूँ, जिस घर में हूँ, जिन लोगों के बीच में हूँ, मैं सबको प्यार देती हूँ। अपने आप से बोलो, आईने के सामने देख के बोलो, और जितनी बार आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरा भी कम हो रहा है उसको तुरंत ठीक करो, इमीजिएट, बिना ज़्यादा समय गंवाए, तो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल पे रहने की। जय हो।